अब मैं प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न बताने जा रहा हूँ। पहले जो तीसरा है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित को हल करो। करणी में 2x² धन 7x - 5 करणी में 2 = 0। तो हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे कि करणी में 2 और जो x² का गुणांक है और 5 करणी में 2 को आपस में गुणा कर लेंगे तो इस तरह से हमें 10 प्राप्त होगा। इस 10 का ऐसा दो गुणनखंड खोजेंगे कि उनका सम या डिफरेंस 7 के बराबर हो। तो इस प्रकार से हमको 10 का दो गुणनखंड 5 × 2 मिलेगा जिसका सम 7 होगा। तो हम 7 की जगह 5 × 2 लिखेंगे और इस को फैला देंगे। तो करणी में 2x² + 5x - 2x - 5 करणी में 2 = 0। हम x कॉमन ले लेंगे तो इस तरह से करणी में 2x + 5 एक ब्रैकेट में धन करणी में 2 दूसरे ब्रैकेट में करणी में 2x + 5 = 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमको दो गुणनखंड प्राप्त होंगे। करणी में 2x + 5 पहला गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड x · करणी में 2 = 0। यदि करणी में 2x + 5 = 0 ले लें तो हमें x का मान करणी में 5/5 करणी में 2 प्राप्त होगा। यदि हम x · करणी में 2 = 0 ले लें तो x - करणी में 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इसी -20x + 1 = 0 इसको भी गुणनखंड विधि से हल करना है। तो हम 100 × 1 के दो गुणनखंड प्राप्त करेंगे तो 10 × 10 होगा। अब हम 20 को 10 × 10 करके दो भागों में तोड़ देंगे तो हमको प्राप्त होगा 100x² - 10 × 10 × 1 = 0। अब इसे हम फैलाएंगे तो हमें मिलेगा 100x² - 10x - 10x - 1। और इस प्रकार से हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हमको दो गुणनखंड प्राप्त होंगे 10x - 1 और 10x - 1। चूँकि दोनों गुणनखंड समान हैं तो इस तरह हमको प्राप्त होगा 10x - 1 का² = 0। तो यदि हम 10x - 1 = 0 माने तो x का मान 1/10। तीसरा प्रश्न है कि दो संख्याओं का योगफल 27 है और अगर उनका गुणनफल 182 हो तो दोनों संख्याएं बताइए। हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 - x होगी। प्रश्नानुसार x · 27 - x = 182 होगा। और इस प्रकार से हम इसका दो गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे तो एक गुणनखंड हमको x - 14 और दूसरा गुणनखंड हमको x - 13 प्राप्त होगा। यदि हम x - 14 = 0 माने तो x का वैल्यू 14 मिलेगा। यदि हम x - 13 = 0 माने तो x का वैल्यू 13 मिलेगा। इस प्रकार से पहली संख्या 14 हो जाएगी और दूसरी संख्या 13 हो जाएगी। इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों का हल लेके मैं अगले वीडियो में आप लोगों के सामने आऊँगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।